दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना या यूं कहें कि सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जैसा शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। आज की कहानी स्किन वॉकर मतलब रूप बदलने वाले शैतान के बारे में है। आखिरकार आज भी स्किन वॉकर का आतंक क्यों फैला हुआ है और क्यों लोग इनसे डरते हैं, आइए सबसे पहले इनके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं कि आखिरकार स्किन वॉकर्स होते क्या हैं। उसके बाद से स्किन वॉकर्स के साथ घटी हुई सच्ची घटनाओं को भी हम आपको बताएंगे। स्किन वॉकर या यूं कहें कि छलावा एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार के जानवर में बदलने की क्षमता रखता है। ये अक्सर कोयोट, भेड़िए, लोमड़ी, चील, उल्लू या यूं कहें कि कौए के रूप में देखे जाते हैं। कुछ लोग अलग अलग लोगों के चेहरे को भी चोरी भी कर सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट हो सकते हैं जिसे आप जानते हो। अगर आप गलती से स्किन वॉकर से आंखें मिलाते हैं तो वे खुद को आपके शरीर में पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर सकते हैं या यूं कहें कि आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और आपके कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। दुर्लभ स्किन वॉकर्स भी लाशों का पाउडर जो होता है उसका प्रयोग जहर के रूप में उपयोग करने की क्षमता रख सकते हैं। स्किन वॉकर्स की किंवदंती दक्षिण पश्चिमी मूल अमेरिकी जनजाति नवाजों में उत्पन्न हुई है। ज्यादातर इनको देखे जाने की घटना वहीं पर पाई गई है। नमाजो भाषा में स्किन वॉकर शब्द नागलोभी भी कहा जाता है। अन्य घटनाओं की तुलना में स्किन वॉकर्स ने अपेक्षाकृत हाल ही में सार्वजनिक जगहों में प्रवेश किया है। 1996 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने विचित्र घटना की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए एक यूटा रिंच नाम का प्रयोग भी किया था। यदि उनकी अन्य शक्तियां पर्याप्त नहीं होती हैं तो स्किन वॉकर्स को भी यह माना जाता है कि वे अविश्वसनीय रूप से लंबी दूरी तक चलने में सक्षम हैं। शायद एक शाम में 200 मील से भी अधिक वो जा सकते हैं। स्किन वॉकर्स के पास कब्रिस्तानों के चारों ओर घूमने की प्रवृत्ति होती है और एक गंभीर रूप से तेज गति से कब्र को वो खोद सकते हैं, जबकि वे कई रूप ले सकते हैं। बहुत से लोग जो आज उन्हें देखते हैं उन्हें कुत्ते के समान खोखले रूप में बताया करते हैं। स्किन वॉकर्स के बारे में कहा जाता है कि वे ज्यादातर ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाते हैं जो उनके जैसा बनना चाहते हैं। कुछ लोगों का यहां तक मानना है कि ये लोग विशिष्ट मंत्रों के साथ अपने आप को स्किन वॉकर के रूप में बदल लेते हैं। यह भी कहा जाता है कि आप स्किन वॉकर को केवल इस तरीके से ही मार सकते हैं कि आप उनको उनके सच्चे नाम से बुलाएं, जो उनका ओरिजिनल नाम होता है उस नाम से ही बुलाएं। स्किन वॉकर बनने से पहले उनका जो ओरिजिनल नाम था मनुष्य के रूप में, उस नाम को अगर आप बुलाएंगे तो वो मर भी सकते हैं, क्योंकि स्किन वॉकर काली विद्याओं का प्रयोग करके एक अभूतपूर्व शक्तियां हासिल करने के बाद ही कोई बनता है और उसके बाद वह एक शैतान बन जाता है जो मानवता का भी दुश्मन होता है। स्किन वॉकर्स को आमतौर पर नवाजों के आसपास ही देखा गया है, लेकिन उन्हें साथ में पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि रेक जो आमतौर पर उत्तर पूर्व में है वहां भी स्किन वॉकर दिखाई दिए हैं। हम आपको आगे कुछ ऐसी कहानी भी सुनाएंगे, सच्ची घटनाएं, जहां पर लोगों ने स्किन वॉकर्स का सामना किया है, वो भी नवाजों में। ये पहली कहानी है एनाल्डोसी मतलब स्किन वॉकर जो मुझे देख रहा है। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी जैसा कि लोगों ने बताया मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं। मेरी मां की तरह मेरी दादी हमेशा बहुत अंधविश्वासी रही हैं। कोई और शब्द उनके लिए नहीं कहा जा सकता है, बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह धार्मिक नहीं है, लेकिन वह बहुत अधिक असाधारण चीजों में विश्वास रखती हैं। उनकी जो मां थी वो नवाजो थी और उनके पिता आयरिश थे। किसी भी तरह
वह कभी भी मोंटाना के पूर्व में ना कभी गई ना कभी वहां पहुंची थी। वह नेवादा में ही पली बढ़ी थी। एक साल जब मैं ग्रेड के स्कूल में पढ़ रहा था, मतलब छोटे स्कूल में पढ़ रहा था, तो हम उनसे मिलने गए। ज्यादातर यात्रा बहुत ही अजीबोगरीब भी थी, या यूं कहें कि असुविधाजनक भी थी, सामान्य तरीके से बोरिंग थी। जब हम वहां पहुंचे तो कुछ उनका व्यवहार भी थोड़ा सा अजीब था। वह पुराने लोगों के जैसे थी, सिवाय केवल इसके कि वह हमेशा अपने बंद पर्दे से खिड़की की तरफ बाहर झांकती रहती थी, थोड़ा थोड़ा पर्दा हटा करके। और जब कोई पूछे कि वह क्या कर रही हैं, तो वह जवाब देती थी, एनाल्डोसी मुझे देख रहा है, मतलब स्किन वाकर मुझे देख रहा है। यह लगभग जब तक मैं वहां था पूरी यात्रा के लिए चलता रहा, जब तक हमारी छुट्टी खत्म नहीं हुई उसके कुछ दिन पहले तक। ऐसा रोज वो करती थी। मेरी दादी और मेरा भाई उस शाम सामने वाले बरामदे में थे, मतलब घर के थोड़ा सा बाहर। जब अचानक मेरा भाई बाहर फूल लगा रहा था, तभी मेरी दादी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वहां से अंदर आ जाओ, वो प्राणी तुम्हें देख रहा है, दूर हो जाओ, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। उनकी इस आवाज को सुन करके हमें कुछ समझ में नहीं आया कि वह छोटे भाई को अंदर आने के लिए क्यों बोल रही हैं, किस प्राणी से दूर होने के लिए बोल रही हैं, क्या सुरक्षित नहीं है। बेशक नेवादा में रहने के नाते हमें यह महसूस हुआ कि हमारे भाई को बिच्छू या कोई सांप मिल गया होगा, इसीलिए हम सब भी बाहर भागते हुए आए। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि दादी मेरे छोटे भाई को पकड़ते हुए और उसकी तरफ डरते हुए हिलते हुए देख रही थी। दोनों के दोनों बाहर बरामदे में ही खड़े थे। तभी हमको दिखाई देता है एक बड़ा काला बड़े आकार का कुत्ता, और वो मेरी दादी और भाई को एक टक नजर से घूर रहा था। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने हमारी ओर भी देखा और थोड़ा हिला डुला भी, लेकिन फिर रुक गया। उसकी आंखें वास्तव में गहरी थी, पीली थी, या यूं कहें कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। धीरे धीरे करके हम घर के अंदर चले आए। जब हमने अपनी दादी से पूछा कि क्या हुआ था, वो कौन था, तो वह दोहराती रही कि एनाल्डोसी, मतलब स्किन वाकर, हमको खोज चुका है। और उसके बाद से वो हर समय यही बोलती थी और डरी डरी रहती थी, क्योंकि वहां पर स्किन वाकर को नॉर्मल देखने की घटनाएं आम होती हैं। उसके बाद हम वहां नहीं रुके और कुछ हफ्ते के बाद सब के सब वहां से चले आए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ हो। दूसरी घटना है रात के अकेले की, आइए इसको भी जानते हैं। मेरे चाचा और चचेरे भाई ने सड़क के किनारे एक बड़े से हिरण को देखा था। जब वे उसके करीब गए तो वह एक सामान्य हिरण से कुछ ज्यादा ही बड़ा नजर आ रहा था। एक बार की बात है, गैलप जो कि एक जगह का नाम है, वहां से वापस आते समय मेरे पिताजी ने सड़क के किनारे एक बूढ़ी नमाजो औरत को चलते हुए देखा। और जब वह उसे लिफ्ट देने की पेशकश करने ही वाले थे और अपनी गाड़ी को धीमा किया, तभी सच तो यह है कि अजीबोगरीब स्पीड से, या यूं कहें कि अमानवीय गति के साथ, वह मैदानों की तरफ भागने लगी। उसकी गति ऐसी थी कि जो एक आम इंसान की हो ही नहीं सकती। हवा के स्पीड से वो इधर से उधर भागने लगी। और एक बार जब मैं बच्चा था तो मेरा परिवार मेरे चाची के घर पर था, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र में है, थोड़ा एकांत में है। जब हमें वहां कुछ संस्थाओं द्वारा खिलौना दिया गया था तो हम वहां बहुत ज्यादा खुश थे। वे जानवरों का शोर करते थे और हम उन्हीं खिलौनों में व्यस्त रहते थे। खेलते ही खेलते हमको जानवरों की असली आवाजें सुनाई देने लगी, जो कि कोई और नहीं स्किन वाकर सी थे, लेकिन हम उस समय नहीं जानते थे। और हम उस दिशा की ओर धीरे धीरे चलने लगे, टॉर्च को चालू कर दिया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन जब हम आगे बढ़े उस आवाज की तरफ, तो शोर चारों दिशाओं से आने लगा। उसके बाद हम घबरा करके वहां से वापस आ गए। उसके बाद जब भी मैं वहां गया तो मैंने ये महसूस किया
और यहां तक कि देखा भी कि देर रात को वहां पर एक डर का माहौल हर समय बना रहता है। लोग घबराहट में, डर में जिंदगी व्यतीत करते हैं। उसके बाद से मैंने वहां जाना छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ने से पहले मुझे वहां पर एक ऐसी चीज दिखाई दी जो वास्तव में मुझे डराने के लिए काफी थी। एक दिन उसी तरीके की आवाज के पीछा करते हुए मैं जंगलों की तरफ बढ़ा तो मुझे नजर आया कि एक कुत्ता, जो कि सामान्य से कुछ ज्यादा ही ऊंचा था, अचानक से एक भेड़िए में बदल जाता है और कुछ ही देर के बाद वह आगे बढ़ते हुए भेड़िए से इंसान में बदल जाता है। मैंने आओ देखा न ताओ और वहां से लौट आया और उसके बाद से मैं वहां कभी नहीं गया। यह तीसरी घटना एक खिलौने के जैसे रॉकिंग हॉर्स के मूव्स के ऊपर है। मेरे चाचा मैक्सिकन हैं और मूल अमेरिकी हैं। यह दक्षिण कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान की घटना है। वह देर रात को अपनी प्रेमिका के साथ इधर उधर गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो सड़क के किनारे एक विशाल काले कुत्ते की तरह दिख रहा था। उन्होंने अपनी गाड़ी को धीमा किया, तभी उन्होंने देखा कि वो कुत्ता सड़क पार करने लगा। एक सामान्य कुत्ते की तरह चलने के बजाय वह एक घोड़े की तरह चल रहा था, जैसे कोई खिलौना टॉय जो होता है घोड़े का, वो चलता है। उन्होंने यह भी बताया कि वह सड़क के बीच में रुक गया और वहीं से उन्हें घूरने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। उसके बाद मेरे चाचा ने अपनी गाड़ी को वापस बैक गियर में डाला और आंधी के जैसे वहां से भगाते हुए निकल गए। उसके बाद उनके साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। इस तरीके की और भी घटनाएं हैं दोस्तों, जिन्हें हम आगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लीक से हट करके है, लेकिन जो है वो सही है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा द हंटेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, हर समय अलर्ट रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। दोस्तों, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।